पलहर मेरा है, मेरा है, मेरा। देखे मोबाइल किसी का मिल जाए कभी भी तो उसको वापस कर देना चाहिए। अरे क्या हुआ ये मोबाइल तो मैंने पहले नहीं, मैंने पर छुआ, मैंने पर छुआ। आपस में लड़े मोबाइल के लिए तो देखो हम जो है कुछ चीज समझाने वाले हैं और जो इसका उत्तर सही देगा ये उसी को मिल जाएगा। ठीक है, रेडी है तो संज्ञा क्या चीज, संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब संज्ञा पांच प्रकार का होता है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। एक हम कहानी बोलेंगे, उस कहानी से पकड़ना है। देखो कहानी क्या है, मेरा नाम अमिताभ बच्चन है, बस है ना अमिताभ बच्चन, लेकिन मेरा मान लो क्या नाम बोला है, अमिताभ बच्चन, ये नाम हो गया ना। तो व्यक्ति का जो नाम होता है, स्थान का जो नाम होता है, या दिन और महीना का जो नाम होता है, उसे हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक। अमिताभ बच्चन नाम हो गया, ये कौन संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। मेरा एक छात्र है, उसका नाम है अल्लू अर्जुन। क्या नाम है? अल्लू अर्जुन। सभी बहुत फेमस हुए हैं फिल्म में, पुष्पा फिल्म में देखे ना। तो अल्लू अर्जुन नाम हो गया, ये कौन सा संज्ञा होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन संज्ञा होगा? बहुत सुंदर, देखिए साइड हो जाए, रोड पे जाना देना हम लोगों को। अच्छा, तो ये संज्ञा क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक, अब तो वह किसको मिल नहीं रहा है। अब वो छात्र, छात्र में जाति होता है, ठीक है, इसको बोलते जातिवाचक संज्ञा। क्या बोलेंगे? जातिवाचक संज्ञा। अच्छा, अब देखो वह चेन्नई में रहता है, अल्लू अर्जुन चेन्नई में रहता है, चेन्नई स्थान का नाम है, तो ये भी हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? प्रॉपर नाउन। क्या बोलेंगे? प्रॉपर नाउन बोलेंगे। ठीक है, वह बहुत अच्छा आदमी है, आदमी बने इंसान है, ठीक है, यह भी संज्ञा हो गया जातिवाचक संज्ञा। वह अपने घर में गाय, कुत्ता और बिल्ली रखता है। क्या रखता है? गाय, कुत्ता, बिल्ली। तो गाय का जाति होता है, बिल्ली का जाति होता है और कुत्ता का जाति होता है। जिसे जाति का बोध होता है उसे हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कॉमन नाउन। कॉमन। ठीक है, वह रोज स्कूल देर से जाता है या कक्षा में देर से पहुंचता है। वह रोज कक्षा में देर से पहुंचता है, तो कक्षा जो है इसको बोलेंगे समूहवाचक। क्या बोलेंगे? समूहवाचक। एक समूह होता है, जैसे आर्मी है, पुलिस है, ग्रुप है, वर्ग है, झुंड है, इसको बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। पूरे कलेक्टिव नाउन। क्या बोलेंगे? कलेक्टिव नाउन। वह रोज सुबह दूध, दही और मक्खन खाता है। क्या खाता है? दूध, दही और मक्खन। हाँ, तो दूध को हम लोग गिन नहीं सकते, ये वस्तु का नाम है, दही वस्तु का नाम है और मक्खन वस्तु का नाम है। तो जो वस्तु का नाम है उसको बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या बोलेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा। तो ये संज्ञा जब हो गया इसे हम कहते हैं मटेरियल नाउन। क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन। इसमें जिसको गिनेंगे वो काउंटेबल नाउन, और जिसको नहीं गिनेंगे अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। ठीक है, और वह दूध पीकर दिन भर बहादुरी दिखाता है। तो ये दूध है, ये तो हो गया द्रव्यवाचक संज्ञा, और बहादुरी जो है इसको बोले भाववाचक संज्ञा। कौन संज्ञा बोलेंगे? भाववाचक संज्ञा बोलेंगे। इसके एक आदमी का जो होता है गुण का बोध होता है, जिसको हम लोग कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो अब हमको बताओ अगर कोई नाम हो गया स्थान का नाम तो कौन संज्ञा हो गया? व्यक्तिवाचक हो गया। अगर जाति का बोध हो गया तो जातिवाचक संज्ञा। अगर वस्तु कोई है तो द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, अगर कोई भाव का बोध हो तो भाववाचक, और ग्रुप का बोध हो तो समूहवाचक। तो देखो उत्तर क्या मिला, कि उत्तर कोई पूरा नहीं दे पाया है, लेकिन एक बात है, मोबाइल जो है, ये जो मोबाइल, ये जो चीज है ना, बहुत काम करती है, इसमें बहुत इन्फॉर्मेशन रहता है, बहुत से लोगों के वीडियोस है, फोटोस है, लिंक्स है, बहुत से लोगों का ऐसा इन्फॉर्मेशन है, ऐसा नंबर है, उससे बहुत काम करता है। तो कोई भी सामान आसान मिल जाए तो वापस कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत काम करती है। ठीक है, वापस कर देना चाहिए, क्योंकि आज तुम्हारे घर में मोबाइल खो जाएगा, तुम्हारे पापा का, मम्मी का, भैया का, तो बहुत बुरा लगता है, लगता है ना बुरा। तो वैसे ये भी किसी घर का तो फोन है, इसलिए जिसको मिल गया है उसको वापस कर देना होगा, क्योंकि आपको देरी में फोन जब आएगा हम लोग उसको वापस कर देंगे। ठीक है, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं कि आपने पढ़ाई की बात को समझा।
ठीक है, जीवन में से पढ़ाई के बाद को सीखना है, समझना है, खेल खेल में तो बहुत आगे बढ़ना। थैंक यू सर। थैंक यू सर।